धनाऊ ब्लॉक मुख्यालय पर स्थापित होने वाले कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय को अन्य जगह स्थापित करने के विरोध में ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया, जिसमें सीबीओ कार्यालय का घेराव करते हुए धनाऊ सीबीईओ को ज्ञापन सौंपा गया। वहीं उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में धनाऊ ब्लॉक मुख्यालय पर कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय खोलने के लिए घोषणा की गई थी और जमीन आवंटन के भी आदेश हो गए थे, लेकिन कुछ लोगों द्वारा निजी स्वार्थ को देखते हुए इस बालिका विद्यालय को धनाऊ मुख्यालय की बजाय अन्य गांव में स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय को अगर धनाऊ मुख्यालय पर स्थापित नहीं किया जाता है तो भारी विरोध प्रदर्शन करते हुए आमरण अनशन करेंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शिक्षा विभाग और सरकार की होगी। सीबीओ ऑफिस में यहाँ एक कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय धनाऊ का स्वीकृत हुआ था, उसको ये लोग जबरदस्ती गोड़ का तला ले जा रहे हैं और इसमें सीबीओ सर की मनमानी है और इनका हाथ साथ में बताया जा रहा है। सीबीओ सर भी गोड़ का तला निवासी है, स्थानीय है, इसलिए खुद के गांव की सपोर्ट कर रहे हैं और हम यहाँ एकत्र हुए हैं कि कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय यही होना चाहिए। सीबीओ सर साहब से मिलने आए हम, हमको पता चला है कि यहाँ कस्तूरबा आवासीय विद्यालय स्वीकृत किया गया धनाऊ में, यहाँ के पता चला कि यहाँ नहीं लेके वो गौरतला लेके जा रहे हैं। सीबीओ साहब गौरतला के हैं। अच्छा, तो हमें बड़ा दुख हुआ। सीबीओ